उसका वोट से बदला लेने का अब समय आ गया है। विज ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने हमेशा हिंदुओं का अपमान किया है, तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी बताने वालों में सबसे आगे थे। हिंदू आतंकवाद का नाम लेकर साध्वी प्रज्ञा को जितनी चोटें मारी हैं उसका वोट से बदला लेने का समय आ गया। 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी बताने वालों में दिग्विजय सिंह सबसे अग्रणी थे, तो ये समय आ गया कि इसका बदला चुका। तो साध्वी प्रज्ञा के हर तरह से मदद की जानी चाहिए, ये कहा है कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने, और अब उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा को जितनी चोटें लगी हैं उन चोटों का बदला वोटों से लिया जाएगा। वहीं इसी दौरान दिग्विजय सिंह को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश की हॉट लोकसभा सीट भोपाल से बीजेपी की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया है।